हेलो स्टूडेंट, हियर दिस इज अजय कुमार दुबे, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने अपने छोटे बच्चों के लिए बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था रूट, स्टेम्स, लीफ। फिर फ्लावर की चर्चा भी मैंने की थी, फ्रूट्स के बारे में भी मैंने बताया था आपको, ब्रांचेस का भी मैंने नाम लिया था। लेकिन बेसिकली बात करें तो प्लांट को दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया था, कौन सा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जनरली फाउंड बिलो द सॉइल या ग्राउंड के नीचे पाया जाता था, और शूट सिस्टम क्या होता था, वो जनरली ग्राउंड के ऊपर पाया जाता था। शूट सिस्टम को यानी किसी भी बेटा पौधे की बात करो तो जो ऊपर का पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो तीन भागों में कह सकते हैं। एक तो स्टेम्स होगा, लीव्स होंगी, फ्लावर दिखाई दे सकते हैं आपको, फ्रूट्स हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो आज हम इन्हीं मेन पार्ट्स के फंक्शन के बारे में समझेंगे। वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब हम प्लांट के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे रूट के बारे में। देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि कोई भी पौधा है तो उसकी जो ग्रोथ होती है बेहतर, वो क्या होता है, वो जड़ों के माध्यम से यानी रूट के माध्यम से होता है। आप लोग कहते होंगे कि भाई इसकी रूट सूख गई तो पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, रूट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो रूट क्या है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच फाउंड बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट। जनरली हम कहें कि जो सॉइल के नीचे पाया जाता है, कुछ में ऊपर मिलेगा वो अलग तरह की बात है, हायर क्लासेस की बात है, लेकिन जनरली बात करेंगे कि रूट जो होगा वो ग्राउंड के नीचे होगा, सॉइल के नीचे होगा। अब रूट के फंक्शन क्या होंगे, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। तो फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी कि रूट का पहला प्रमुख कार्य क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और ये दोनों चीज़ें प्लांट के लिए बहुत ही क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। उसके जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं यानी मिनरल्स के रूप में, उस सभी का एब्जॉर्प्शन करना। तो पहला फंक्शन क्या होता है, रूट helps in absorption of mineral and water. दूसरा फंक्शन रूट का क्या होगा, रूट किसी भी प्लांट को फर्मली सॉइल में ग्रिप करने का काम करते हैं, मजबूती से पकड़े रहने का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा कि रूट्स हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो रूट हेल्प द प्लांट, हेल्प द प्लांट होल्ड फर्मली, मजबूती के साथ, फर्मली इन द सॉइल, मजबूती के साथ क्या करता है, प्लांट को खड़ा रखता है। तीसरी बात क्या होती है कि सम रूट्स स्टोर द फूड। कुछ ऐसी रूट होती हैं जो फूड मटेरियल को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो सम रूट्स स्टोर द फूड मटेरियल, लाइक कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं, तो दैट इज रेडिश, कैरोट, बीटरूट जिसे चुकंदर कहते हैं, एट्सेट्रा। तो ये तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो रूट अपने अंदर क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा रूट का फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज दैट रूट हेल्प्स द प्लांट होल्ड फॉर्मली इन द सॉइल। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट सम रूट्स स्टोर द फूड
material like radish, carrot, beetroot, etc. Now we discuss about the leaves. Now second part is that is what leaves. So leaves is the what aerial part of plant above the ground. अच्छा किसी भी प्लांट के लिए जो लीव्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्यों भाई? क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है इनका, फूड का फॉर्मेशन करना, फूड को सिंथेसाइज करना. और फूड को सिंथेसाइज ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल. तो लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो लीव्स आर green in color due to presence of green pigment chlorophyll. सिंपल चीजों में समझेंगे. अब अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ग्रीन क्यों होता है, योर आंसर विल बी दैट लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है. एंड लीव्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट. नाउ फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लीव्स synthesized the food material for plant. Leaves क्या करती हैं, food material को synthesize करती हैं. किसके लिए? Plant के लिए. वो process का नाम क्या होता है? By the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Photosynthesis का मतलब क्या होता है? The process in which green plants make their food with the help of chlorophyll, carbon dioxide, water in the presence of sunlight is called the photosynthesis. और यही synthesis food material plant में store होता है और जिसका ये use करते हैं. दूसरी बात, प्लांट की लीव्स में स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं. दीज स्टोमेटा हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज. तो लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज. दैट इज वेरी टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीव्स. वन इज सिंथेसाइज द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज दैट leaves help in the in gaseous exchange. ये दो main function किसके होते हैं? Leaves के होते हैं. Now we study about the stem. The third important part is stem. Stem is the part of plant which are found above the ground. The part of plant which is found above the ground. तो ground के ऊपर पाया जाता है वो क्या है? Stem है. ये plant को सीधा खड़ा रखता है, यानी branches को wear करता है, leaves को wear करता है, conduction of food में help करता है और conduction of mineral and water aerial part में मदद करता है. समझ में आया? तो फिर now function of stem क्या होता है बेटा? स्टेम का फंक्शन पहला, इट वेयर द ब्रांचेस लीव्स फ्रूट एंड फ्लावर इन सभी को क्या करता है? वेयर करता है. किसी भी प्लांट को अगर आप देखोगे तो वहां पे जो भी फ्रूट या फ्लावर लीव्स होंगी वो अपने ऊपर वेयर करता है. किसी भी स्टेम को देखोगे तो उस पर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, लीव्स लगी होंगी, फूल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ठीक है ना. दूसरा, स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर इन
एरियल पार्ट यानी कि ऊपर वाले भाग में हेल्प करते हैं। स्टेम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। भाई देखो लीफ में फूड सिंथेसाइज हुआ तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहिए ना, तो उसको कौन ले जाता है बेटा, स्टेम ले जाता है, यानी स्टेम की सहायता से फूड एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। अब वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स, रूट्स ने एब्जॉर्ब करके ऊपर भेज दिया तो वो स्टेम के माध्यम से डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। और फिर मैंने बताया कि जो स्टेम होता है वो लीव्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर को अपने ऊपर वेयर करता है। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेम का क्या होता है कि जनरली अगर हम कहें कि कुछ स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं, जैसे पटेटो हो गया, जिंजर हो गया, अनियन हो गया, एक्सेट्रा। सम स्टेम स्टोर द फूड एंड दीज आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम। फॉर एग्जाम्पल पटेटो, इसको ट्यूबर नाम देते हैं बेटा, अनियन इसे हम लोग बल्ब कहेंगे, और थर्ड वन इज दैट इज जिंजर, इसे राइजोम नाम देंगे। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ व्हाट, स्टेम। तो टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ व्हाट, रूट, लीव्स एंड स्टेम। रूट का फंक्शन मैंने क्या बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फिर मैंने स्टेम का फंक्शन, दूसरा स्टेम का फंक्शन मैंने बताया, इट वेयर द ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर। स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। स्टेम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड सम स्टेम आर हेल्प इन स्टोर द फूड। लीव्स का फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू द फोटोसिंथेसिस, सिंथेसाइज द फूड मटेरियल एंड हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। सो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।